नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के अंबेडकर चौक स्थित। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको मालूम है कि आज मंगलसेन ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 34 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए जाने वाले पश्चिमी बाईपास और शेरगढ़ टापू से मोदीपुर तक बनने वाली सड़क का निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज अपने विधानसभा क्षेत्र यानी कि करनाल दौरे पर है। सुबह ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल पहुंच गए थे और अब उनका काफिला पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से चलकर मंगलसेन ऑडिटोरियम में पहुंच चुका है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। तमाम गाड़ियां आपको उनके काफिले के साथ आती हुई यहां पर दिखाई दे रही होंगी। ये सीधी तस्वीरें आप करनाल के मंगलसेन ऑडिटोरियम से देख रहे हैं। शुरू कर दो। और ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें आप करनाल के मंगलसेन ऑडिटोरियम से देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का काफिला अब से कुछ ही देर पहले यहां पर पहुंचा है। और आप देख सकते हैं कि 34 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पश्चिमी बाईपास का जो फेज टू है उसे तैयार किया जाना है। लगभग 31 करोड़ रुपये की लागत उसमें आने वाली है। उसके अलावा आप देख सकते हैं 34 करोड़ रुपये की लागत से उसके अलावा जो शेरगढ़ टापू से मोदीपुर तक बनने वाली सड़क है उसका शिलान्यास आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने हाथों से किया है। और उसके अलावा करनाल के स्मार्ट सिटी की तरफ से करनाल के नगर निगम को 30 टिपरों की जो सौगात दी गई है, जो कि कचरा ढोने वाली वाहन है, उनको हरी झंडी यहाँ पर दिखाते हुए, या आप देख सकते हैं हरी झंडी दिखाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री, और या आप देख सकते हैं वाहन यहाँ से चलना शुरू हो गए हैं। 30 टिपर हैं, इनमें जो ड्राइवर मौजूद हैं सुबह से इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर कब प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल के मंगलसेन ऑडिटोरियम में पहुँचेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद ही इन तमाम वाहनों को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। करनाल के स्मार्ट सिटी की तरफ से नगर निगम को ये कचरा ढोने वाले 30 टिपरों की सौगात दी गई है और उन्हीं को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप करनाल के मंगलसेन ऑडिटोरियम से देख रहे हैं, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरी झंडी दिखाकर इन तमाम कचरा ढोने वाले वाहनों को यहां से रवाना किया। उनके साथ साथ आप नगर निगम की मेयर हैं मैडम रेणुबाला गुप्ता, उन्हें यहां पर देख पा रहे होंगे। और उस तरफ आप देख सकते हैं तमाम लोगों से मुख्यमंत्री बातचीत करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप करनाल के मंगलसेन ऑडिटोरियम से देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज अपने करनाल के दौरे पर हैं। शिलान्यास किया गया है 34 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाना है पश्चिमी बाईपास। और आप देख सकते हैं मीडिया से बातचीत करते हैं, 34 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन व शिलान्यास किया, क्या कहेंगे इस पर? जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर? आज करनाल पहुंचे हैं, कुछ विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। मेरा घर है नीचे, लक्ष्य स्वाभाविक है तो मैं अपना लाऊंगा ही। और वैसे भी आज भोले बाबा की कृपा है और भोले बाबा के कृपा और आज शिवरात्रि के कार्यक्रम के नाते से जैसे करनाल में हर वर्ष की भांति इस बार भी जो शोभा यात्रा निकलेगी, सभी लोगों के दर्शन करने जाऊंगा। दिन भर में यहाँ रहने का जो कार्यक्रम बना है उसमें कुछ लोग मिलने वाले भी थे, अभी रेस्ट हाउस में 30 लोगों के साथ उपस्थित थे। उनके कुछ काम, उनकी कुछ समस्याएँ उसके हल के लिए चेक किए और अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। अभी यहाँ से लक्ष्य सीएम साहब, 1740 के करीब बच्चे अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं जो ताज़ा आए केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। हरियाणा के बच्चे हैं जिसमें से 91 बच्चे अभी वापस आ पाए हैं, तो किस तरह से आप बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि लगातार काफी स्टूडेंट्स के वहां से हमारे पास फोन आ रहे हैं कि किसी तरह की सुविधाएं एम्बेसी की तरफ से नहीं दी जा रही है, कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं कराया जा रहा है। देखिए, हमने अपने यहाँ एक कंट्रोल रूम बनाया है हरियाणा का भी, जिसके अंदर फॉरन कॉपरेशन डिपार्टमेंट के सब लोग बैठे हुए हैं और जितने लोगों का जो हमने ईमेल एड्रेस दिया है, जितना हमारे व्हाट्सएप के ऊपर लोगों की संपर्क हो रहे हैं, लगभग 700 लोगों से संपर्क हमारा हो चुका है।
और उनमें से काफ़ी लोग जो वापस भी आए हैं, लगभग 90 के आसपास लोग हरियाणा के वापस आए हैं। आज ही जो फ्लाइट मुंबई आई है, वहाँ भी कुछ लोग हरियाणा के हैं। तो चूँकि पहले तो हरियाणा के लोग सब दिल्ली की फ्लाइट्स में आए थे, आज हम वहाँ भी एक कंट्रोल रूम स्थापित कर रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर, ताकि मुंबई से दिल्ली और हरियाणा लाने में भी उनकी सुविधा हो सके। चूँकि हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वही सब चीज़ों को देखभाल कर रही है। चार हमारे मंत्री चार देशों में चले गए हैं, ताकि वहाँ से कोऑर्डिनेट करके उन सब लोगों को आसपास के देशों में लाया जा सके और वहाँ से उनको ट्रांसपोर्ट। तो लगता नहीं सर कि कंट्रोल रूम जो पहले ही शुरू करना चाहिए था, 10 दिन से काफ़ी लोग परिवार के लोग चिंतित थे। हमारे कंट्रोल रूम 8 दिन से चालू है, आज से नहीं है, 8 दिन पहले ही हमने मीडिया में भी बता दिया था, सब अपना व्हाट्सएप नंबर सारा कुछ किया हुआ है। इन 8 दिनों में बताया 700 लोगों ने संपर्क हमारे से कर लिया है, क्योंकि लेकिन वहाँ वो कहाँ है वो सारी जानकारी अभी कल हमको मिली है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, कि हरियाणा के लोग जो हैं उनके परिवारों को संपर्क करने के लिए मैंने डिप्टी कमिश्नर को संदेश दे दिया कि जिस जिले में जो परिवार हैं उनको संपर्क करेंगे और उनके परिवार के साथ उनके जो भी परिवारजन वहाँ गया हुआ कर यूक्रेन में जो गए हुए उनके हाथों में संबंध नए मोटर व्हीकल एक्ट का है, क्या लगता है क्या माहौल है? यूपी का चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है और निश्चित रूप से 10 तारीख को जो रिजल्ट आएगा यूपी के अंदर। सर नए मोटर व्हीकल एक्ट का काफी विरोध हो रहा है, क्या कुछ रहने वाला है सर? बजट बहुत अच्छा, जनहित के लिए बजट जो उपयोगी होगा, खास करके जो गरीब जनता है, छोटा किसान है, छोटा यानी जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, छोटा व्यापारी भी है, हर प्रकार से ऐसे लोग जो निम्न आय वर्ग हैं उनके लिए विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बहुत से प्रोजेक्ट्स वो उसमें लाने वाले हैं, क्योंकि केंद्र के बजट में भी इस बार हमने देखा है डिजिटलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इसके ऊपर जोर था, और एक आगे भी हम एक वेलफेयर की एक्टिविटीज किस प्रकार से चलेंगी उसका आप लोग। सर एक 10 से 15 साल की जो गाड़ियों को बैन किया जा रहा है वो क्लियर अभी तक नहीं हो पा रहा है, किसान भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां भी प्रोटेस्ट कर रही हैं, लोगों को कहना है कि मीडियम क्लास फैमिली आखिरकार कैसे अपनी 8-9 साल की सही कंडीशन की गाड़ी बेच के कैसे नहीं ले पाएगी। केवल गुरुग्राम में हमने ऑटोज को ये कहा है कि वो 10 साल से लेकर के 15 साल तक के 10 साल डीजल वाले और 15 साल पेट्रोल वाले वो ऑटो वाहन नहीं चलाएंगे, उनकी यूनियन से बात करके ये हमने फैसला लिया है, बाकी कहीं किसी प्रकार का कोई विषय नहीं है। पहले से जो एक नोटिफिकेशन निकला हुआ था ट्रैक्टर्स का उसमें एक्सटेंशन दी थी, अब उनको दोबारा से फिर एक्सटेंशन। तो ये सर गुड़गांव के लिए आदेश है, कोई और करनाल या केवल कहीं के लिए अभी के बार जो है अभी एनसीआर का एक एनजीटी ने एक नोटिस निकाला हुआ है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन केवल अभी हम गुड़गांव में कर रहे हैं, बाकी जगह उसमें से राहत कैसे देनी होगी कितनी देनी होगी वो बजट। तो एनसीआर की लिमिट को लेकर भी काफी संशय सर, घरौंडा जो है करनाल जिले में आता है वो एनसीआर में है, लेकिन करनाल को एनसीआर से बाहर कर देगा तो ऐसे में दोहरे मापदंड हो गए। देखिए एनसीआर दिल्ली सेंट्रिक है और दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी जहाँ जहाँ तक आती है उन तहसीलों को उसमें लिया गया है, और बाकी रेडियल तौर पर जो बड़े शहर हैं उसमें करनाल शहर भी एनसीआर में ही है। सर कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा का कहना कि मुख्यमंत्री करनाल को भी नहीं बचा पाए एनसीआर। अरे मैंने बचा नहीं पाए, लोगों की डिमांड रही है कि एनसीआर से बाहर करें, क्योंकि एनसीआर के जितने पैरामीटर्स बनाए गए हैं जितना दबाव बनाया गया है हमने तो ये मांग ही की है कि जिस प्रकार का पहले एनसीआर में खुले रूप से जाने की खुशियाँ मनाई गई तो उसका कोई लाभ नहीं है। आज एनसीआर के कारण से प्रदूषण के एनजीटी के कारण से जितने लोग दुखी हैं, इंडस्ट्री हमारी परेशान हो गई है, भट्ठे वाले परेशान हो गए हैं, इसलिए एनसीआर का लाभ बहुत दिल्ली के आसपास तो कुछ ना कुछ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ हो रहा है, बहुत दूर तक एनसीआर का कोई बहुत लाभ नहीं हो रहा है। उसमें हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से भी गुड़गांव फरीदाबाद सोनीपत झज्जर यहाँ तक उसका लाभ है, इससे आगे लाभ नहीं। तो क्या मेट्रो भी नहीं आएगी अगर एनसीआर से बाहर हो जाता है? मेट्रो आएगी, मेट्रो के लिए तो हमारी बैठी हो चुकी है, उसमें कोई एनसीआर के कारण से मेट्रो नहीं आ रही है, उस मेट्रो को अलग से प्रोजेक्ट्स हैं, 6 प्रोजेक्ट्स बने हैं, 3 पर काम चालू हो चुका है, पहले वो पानीपत तक थी और पानीपत से हमने उसको करनाल तक। तो मुख्यमंत्री जी हरियाणा डोमिसाइल को लेकर 2 नियम लागू किए गए हैं, 15 साल और 5 साल, इसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहले कभी 15 साल होता था, 5 साल का निर्णय लिया है तो 5 साल रहे, तो इसका इफेक्ट तो सीधा जो 75% का रिजर्वेशन है हरियाणा के युवाओं के लिए उस पर भी पड़ेगा सर? नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बातचीत करके ही किया गया है, आखिर इंडस्ट्री के लोगों को भी हमको, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर प्रदेशों के यहाँ काम कर रहे हैं, उनके परिवार वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, अगर वो नियम करते हैं तो उनके परिवारों के लोगों को भी बाहर जाना पड़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट में जब ये शुरू होगा तो कहाँ के लोग उसमें रुचि रखते हैं एम्प्लॉयमेंट में। आज भी हरियाणा के लोगों को हमें उस ओर तैयार करना पड़ेगा कि वो इंडस्ट्री के अंदर भी काम करने के लिए तैयार। विपक्षी पार्टियों का कहना है पेट्रोल डीजल के दाम
इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और कच्चा तेल का दाम यूक्रेन और रूस की लड़ाई के कारण आसमान पर पहुंच गया। अगर मगर से कोई प्रश्न नहीं हुआ करते, जो है वो है, जो नहीं है सो नहीं। सर, सरपंची और जिला परिषद के चुनावों पर कब तक क्लियर हो पाएगा, कब तक कोई डेट? सुप्रीम हाईकोर्ट के अंदर ये केस गया हुआ है। हमने एक प्रावधान किया था कि 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व ये देने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग चले गए जो इसको जो इनको ये मंजूर नहीं है। अब कोर्ट जैसा फैसला, तो बीजेपी जेजेपी इकट्ठी लड़ेगी या अलग अलग रहेगा? सब मिलकर के चलेगा, अपने सिंपल पर लड़ेगी जी बीजेपी जो ये पार्टी। चलो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज अपने ही विधानसभा क्षेत्र यानी कि करनाल के दौरे पर थे। 34 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए जाने वाले जो पश्चिमी बाईपास का फेज टू है, उसके अलावा जो सड़क का निर्माण किया जाना है उसको लेकर आज शिलान्यास किया गया। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी बात ये जरूर बताने चाहूंगी, जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आई है वो ये है कि मीडिया कर्मियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से एक सवाल जरूर किया, जिसको लेकर अमूमन आजकल हर कोई चर्चा कर रहा है। विपक्ष पार्टियां विरोध में उतरी हुई हैं। कल किसान भी जिला सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए थे। जो नया मोटर व्हीकल एक्ट सामने आया है कि 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। हालांकि एनजीटी की ये ऑर्डर जरूर सामने आए थे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बात को साफ कर दिया है कि ये आदेश अभी के लिए फिलहाल गुरुग्राम में ही लागू किए जाएंगे, करनाल का उससे कुछ लेना देना नहीं है और करनाल वालों को अभी डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज करनाल पहुंचे थे तो उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि 1 अप्रैल से करनाल में या फिर पूरे हरियाणा में ऐसा नहीं देखा जाएगा कि आपकी 10 या फिर 15 साल पुरानी गाड़ियों को कोई जब्त कर रहा है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूं महक शर्मा हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।